हेलो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं शारजा रमदान T20 लीग का आज का दिन का पहला मुकाबला के बारे में। और इस सीरीज का ना बराबर नंबर मुकाबला रहेगा, खेला जाएगा TVS वर्सेस HKZ के बीच में। आपको हर पल के स्टेप्स मिलेगी वीडियो में। हमने वीडियो बनाने में करीबन 3 घंटे लगा दी दोस्तों, मतलब वीडियो को लिखने में, क्योंकि हमने जो भी स्टेप्स निकाले ना बहुत ही रियल निकाले, मतलब 100% आप रियल कह सकते हो, जाके आप चेक भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, हर प्लेयर का स्टेप्स मिलेगी आपको, बैटिंग ऑर्डर, कौन सा प्लेयर ने कैसे परफॉर्मेंस करी, हर चीज़ बताऊंगा। हमने लगातार कल 2 दिन से ना शारजा रमदान T20 वाला मतलब मुकाबले हम कवर कर रहे हैं और बहुत शानदार जा रहे हैं। तो भाई, सबसे पहले भाई, अब तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है ना, तो यार बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ठीक है, टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए करना कुछ नहीं, सिंपली आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस फर्स्ट कमेंट में मैं टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके जुड़ सकते हो, क्योंकि वहीं पर जुड़ोगे तभी आपको फाइनल टीम मिल पाएगी जिससे आप एक बेहतरीन वाली विनिंग कर पाओगे। देखो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस फर्स्ट कमेंट में मैं टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप क्लिक करके जुड़ जाना। अगर लिंक नहीं काम करेगा तो फिर आप टेलीग्राम ऐप को ओपन करेंगे, टेलीग्राम पे आपको सिंपली सर्च करना है @expert102। हमने जैसे लिखा है सेम टू सेम लिखेंगे 10,900, 10,800, इसी के समथिंग आपको सब्सक्राइबर दिखेंगे। आपको यहीं पे क्लिक करके जुड़ना भी है। हमारे ही नाम से कुछ चैनल ऐसे बने जो कि फेंक है, तो आप लोग उससे बिल्कुल भी सावधान रहो। मुकाबला टाइम रहेगा 10 बजे। आपको पता है भाई, एक ही ग्राउंड पर सारे के सारे मैच हो रहे हैं, शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा में, ठीक है। और इस बन्नों पे आपको पता है भाई, बैटिंग विकेट है, ऊपर से दोनों टीम न्यू टीम से मतलब पहला पहला मुकाबला खेलेगी, तो भैया मज़ा तो बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि कल हम लगातार 2 दिन से ना बहुत बढ़िया विनिंग कर रहे हैं। ठीक है, वैसे बात करेंगे पहले HKZ टीम की। ठीक है, मेरे हिसाब से इनके जो ओपनर रहेगा आसिम नासिर, इनके साथ आएंगे शमील रमजान। बात करेंगे आसिम नासिर की, जो कि अपने ओवरऑल करियर में यहाँ पे ना 20 और 21 ओवर गेम का स्टार्ट है। ठीक है, मैं आपको पहले बताता हूँ, 20 मैच में 355 रन कर रहे हैं, 25 कवर से पार्ट टाइम बॉलिंग कराते हैं। मान लो कि ना बॉलिंग कराएगा, कंप्लीट बैट्समैन है, और बैट्समैन ना एक अच्छा खासा बैट्समैन है, मतलब 25 से 30 आपको इसी तरीके से बनाकर दे देगा, खेलेगा, ओपनिंग करेगा, ठीक है, मास्टर पिक रहेगा। शमील रमजान जो कि अपने ओवरऑल करियर में कुल 115 मैच में 1500+ रन करे, 92 विकेट है, तो गाइज अपने स्मॉल लीग की टीम में ना इनको लेके चलेगा। मेरे हिसाब से बॉलिंग करनी चाहिए, 2 से 3 ओवर डाल सकता है, मानता हूँ कि कंप्लीट 4 ओवर नहीं डालेगा, लेकिन 2 से 3 जरूर डालेगा शमील रमजान, और आपके लिए बेहतरीन अवसर रहेगा स्मॉल लीग की टीम के लिए, क्योंकि बैटिंग से भी आपको रन करके देगा, ग्रैंड लीग की टीम में हो सके तो आप इनको कैप्टन भी करिएगा। उनके बाद आएंगे सैफुला वंगस, जो कि टीम की तरफ से पाकिस्तान टीम की तरफ से बंदा खेल चुका है। ठीक है, इनका आप डोमेस्टिक T20 का स्टार्ट देखोगे, 21 मैच में 142 रन है, डोमेस्टिक वनडे में 25 मैच में 331 रन है। मानता हूँ कि गाइस इंटरनेशनल लेवल पर कुछ खास नहीं कर पाया है, लेकिन आपको पता ही थोड़ा उससे लो क्लास का मैच होता है, तो भाई यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि रन करके दे, क्योंकि पाकिस्तान के तरफ से इंटरनेशनल खेल चुका है, वो इस टाइप का प्लेयर है, तो मस्ट हैव ऑप्शन रहेगा, आप लेकर चलिएगा। फरहान नज़ार अभी जो रिसेंट में इन्होंने रिसेंट का परफॉर्मेंस देखोगे ना, बहुत ही गजब का निकल के आया है। एक वाला मुकाबला इन्होंने 113 रन करते 3 विकेट निकाले, तो उसके बाद 34 रन, 4 विकेट, 8 रन, 0 विकेट, 45 रन, 1 विकेट। देखो, इनके साथ आपको क्या मिलेगा प्लस पॉइंट, कि बॉलिंग के साथ साथ ना बैटिंग कराता है, तो भाई स्मॉल की टीम में तो बिल्कुल भी छोड़ना ही कहीं नहीं है। ठीक है, फरहान नज़ार को आप पिक करके चलिएगा। उनके बाद आएंगे कैफ रहमान, जो कि 7 मैच में 195 रन है, 27 कवरेज से प्लस 4 विकेट है, मतलब ना के बराबर बॉलिंग करता है, और मेरे हिसाब से बैटिंग आपको थोड़ा सा नीचे करते नजर आएगा, लेकिन अच्छा खासा एक बैट्समैन है, मतलब थोड़ा सा नीचे खेल के अच्छा खासा स्कोरिंग करने का क्षमता है इनमें। उनके बाद आएंगे आदिल मियो, जो कि 54 मैच में कुल इन्होंने 1100+ रन करे, प्लस 67 विकेट है, तो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग करा कर देगा। आदिल आपको हर मैच में कोटे का चार डलेगा, क्योंकि हमने इसका स्कोर कार्ड भी चेक करा था, जहाँ पे हमने पाया था कि भाई हर मैच में बंदा 4 ओवर डालता है। उनके बाद आएंगे जिकारिया रमजान, ये भी एक अच्छा खासा विकेट टेकर बॉलर आप कह सकते हो, 115 मैच में 92 विकेट है, 115 मैच में 1500+ रन है, मतलब ओवरऑल ठीक ठाक है प्लेयर, उतना मस्ट नहीं रहेगा। अनस मुस्तफ़ा जो कि 19 मैच में 360 रन है और 6 विकेट है, मतलब एज ए बैट्समैन प्ले करेगा, मतलब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, उतना कंप्लीट बॉलर नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप छोड़ सकते हो, लेकिन रन करे इन्होंने बढ़िया वाला। असदुल्ला खेलेगा डेफिनेटली, अपने कोटे का चार डालेगा, अब तक एक T20 2022 के अंदर एक ही मुकाबला खेला था T20 के, जहाँ पर 4 ओवर की कंप्लीट बॉलिंग कराई थी, तो खेलेगा तो ये तो कन्फर्म है कि 4 ओवर डालेगा। सलमान सलीम के बारे में बता दूँ, 7 मैच में 11 विकेट है, करीबन 28 ओवर डाल के भी कंप्लीट 4 ओवर डालेंगे, नो डाउट। उनके बाद आएंगे अली राजा, जो कि 11 मैच में 9 विकेट है, करीबन 39 ओवर डाल के, तो भाई ये भी 3 से 4 ओवर डालेंगे, मतलब इन दोनों का कन्फर्म है कि भाई 4 ओवर डालेंगे। ठीक है, देखो आपको ना आसिम नासिर को आप ले सकते हो बैटिंग सेंस से, रमजान को पिक करेंगे, सैफुला एक मास्टर ऑप्शन रहेगा, फरहान भी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, कैप रमजान मेरे हिसाब से नीचे खेलेगा, तो आप स्मॉली की टीम में छोड़ सकते हो। आदिल मियाँ को पिक कर लीजिएगा स्मॉली की टीम में, हम यहाँ पे रमजान को छोड़ेंगे स्मॉली की टीम में। उनके बाद पिक करूंगा असदुल्ला को, सलमान को, अली राजा को ले सकते हो, मतलब इन दोनों को तो हम डायरेक्टली पिक करेंगे, क्योंकि जो
कंप्लीट चार पर डाले ना उस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा। बाकी बेस पर जितने पर टेबल है सबने सबका नाम सबका स्टार्स इंक्लूड करिए। कोई किसी टाइम खेलता है आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, तो सबसे पहले भाई आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना। दोस्तों बात करें जो सामने की टीम है टीवीएस की टीम से, इनके जो ओपनर रहेगा मेरे हिसाब से कंफर्म नहीं है, ठीक है। इनके ओपनर मेरे हिसाब से दाऊद उमर अरशद रहेगा, इनके साथ आएंगे साकी महमूद। बात करें कि उमर अरशद की, मेरे हिसाब से तो ओपनिंग नहीं करानी चाहिए, क्योंकि एक दुबई में T20 का सीरीज हुआ था 2020 के अंदर, वहाँ पर ना 5 मैच में 29 रन था 19 के एवरेज से। तो मेरे हिसाब से अगर ओपनिंग करा भी तो कुछ खास बॉलर है नहीं मिस मौली की टीम में, तो उमर अरशद को मैं बिल्कुल भी छोड़ के चलूँगा। साकी महमूद जो कि टीम में कैप्टन है, 228 मुकाबले खेले अपने करियर में, कुल इन्होंने 1700+ रन करे, प्लस इनका 174 विकेट है, तो प्लस पॉइंट क्या बनता है। बंदा कप्तान है, ऊपर से आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग करा कर देगा, तो बिल्कुल भी लीजिएगा। उनके बाद जुनैद शमसुद्दीन के बारे में बता दूँ, इन्होंने अपने ओवरऑल करियर में 435 मैच में 10,000+ रन करे, प्लस 104 विकेट है, मतलब ना के बराबर बॉलिंग कराता है। मैं आपको पहले बताता हूँ, क्योंकि आप T10 2020 के अंदर इनका आप देखोगे ना तो 8 मैच में 32 रन था, मतलब एक अच्छा खासा बैट्समैन आप कह सकते हो, लेकिन बॉलिंग नहीं करा कर देगा। अली अबीद 20 मैच में 5 विकेट है, 20 मैच में 309 रन है, तो मेरे हिसाब से भी कुछ खास है नहीं। हालांकि T10 का स्टार्ट था, माइंड में रखकर चलिएगा, ठीक है। T10 में इन्होंने अच्छे खासे बैटिंग कराई थी। जवाद गनी का स्टार्ट शारजा CBFS T20 के जो सीरीज हुआ था 2020 गंदा ना, वहाँ पे भाई ये बहुत ही गजब का प्रोफेसर आता जवाद गनी का, तो भाई डाउट तो बिल्कुल भी नहीं करना जवाद गनी का। मेरे हिसाब से 2 से 3 ओवर आपको डाल कर देंगे बैटिंग से और बॉलिंग के साथ साथ, मतलब बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग करा कर देगा। मैं तो नहीं बोलूँगा कि आप कैप्टन करो, बट इस मौली की टीम में एज अ पल्लर जरूर रखे चलिएगा। उनके बाद आएंगे फयाज अहमद, जो कि वही टीम तरह से बता दूँ इंटरनेशनल खेल चुका है दोस्तों, T20 डोमेस्टिक इनका स्टार्स मैंने निकाले थे, 8 मैच में 7 विकेट है, 18 ओवर डाल के डोमेस्टिक वनडे का 25 मैच में 28 विकेट है। टीम के एक मेन विकेट टेकर बॉलर है दोस्तों फयाज अहमद, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, रन करके देगा लास्ट में आके। वही अहमद एक अच्छा खासा बैट्समैन है, 69 मैच में 2100+ रन करे, 39 कवरेज से, मेरे हिसाब से वही अहमद ऊपर खेलेगा। इमरान जावेद के बारे में बता दूँ, 409 मैच में 12,000+ रन है, प्लस इनका 355 विकेट है, तो इमरान जावेद एक टीम के मेन ऑलराउंडर है, ग्रैंड लीग की टीम में इनको आप कैप्टन करके चल सकते हो। उनके बाद हैं शहबाज अली, जो कि 252 मैच में 4500+ रन है, प्लस इनके 217 विकेट है, बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग करें आप उनको ज़्यादा ट्राई करो। उनके बाद हैं मोहम्मद नदीम, मेरे हिसाब से बैटिंग में भी ऊपर खेलेगा, प्लस आपको बॉलिंग भी करा कर देगा, 56 मैच में 55 विकेट, 56 मैच में 2400+ रन है, 59 कैवरेज से, तो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भले ही मैंने नीचे लिखा वाला की बात है, लेकिन बैटिंग ऊपर करेगा। सजाद मालोक जो कि 192 मैच में 222 विकेट है, 2700+ रन है, तो बैटिंग के साथ साथ ये भी बॉलिंग कर रहा था। देखो इस टीम से मैं प्रेफर करूंगा आप यहाँ से मौली की टीम में साकिब को ले लो, जुनैद शमसुद्दीन आपको सिर्फ बैटिंग करा के देगा, माइंड में रखकर चलिएगा। अगर आपको लगता है कि भाई बैटिंग से स्कोर बनेगा तभी लेना, अदरवाइज इस मौली की टीम में छोड़ सकते हो। मैं जवाब गनी को पिक करूंगा, फयाज अहमद को पिक करूंगा इस मौली की टीम में, वही अहमद आपको सिर्फ बैटिंग करा के देगा, तो मैंने प्रेफर कर रहा, मैं करूंगा इमरान जावेद को, उनके बाद मैं प्रेफर करूंगा शहबाज अली को, मोहम्मद नदीम को, सजाद मालोक को। देखो जो बॉलिंग करे बैटिंग करे ना उनको आप ट्राई करो भाई। फखर जमान जो पाकिस्तान टीम तरह से जो अभी ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज चल रहा है तो वहाँ पर खेल रहा है तो खेलेगा ही नहीं, ठीक है। और भी पलर है जो कि बेस पर, देखते हैं कौन कौन खेलता है। देखो विकेट कीपर सेक्शन में बंगास है, उमर अरशद है, मेरे हिसाब से उमर अरशद को आप ले सकते हो इस मौली की टीम में, हालांकि नासिर भी कुछ खास है नहीं, मतलब इन दोनों में से आप किसी को ट्राई कर सकते हो। उमर अरशद मेरे हिसाब से आपके लिए इंपोर्टेंस रहेगा। उनके बाद है फखर जमान, तो नहीं खेलेगा आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया से जो वनडे का सीरीज चल रहा है वहाँ पर खेल रहा है। जुनैद शमसुद्दीन एक बढ़िया प्लेयर है। उनके बाद वही अहमद को पी करेंगे, फयाज अहमद भी मेरे हिसाब से कुछ खास है नहीं दोस्तों, तो इस मौली की टीम में आप इनको भी छोड़ के चल सकते हो बिल्कुल भी, ठीक है। उनके बाद यार इनका स्टार्स मेरे को सही लगा, आदित्य सनवारे को, ठीक है, मास्टर पिक रहेगा। उनके बाद यहाँ पे मोहम्मद सलीम है, देखते हैं कौन कौन खेलता है अभी के, मैं तो डेमो टीम बना रहा हूँ। गफार खेलेगा, नज़ार को पिक करेंगे, साकिब महमूद, इमरान जावेद को पिक करेंगे, ठीक है। उनके बाद यहाँ पे कैफर रमज़ान जो कि बॉटिंग के साथ साथ बॉलिंग करा कर देगा, नदीम को पिक करेंगे, सलीम को पिक करेंगे दोस्तों, आदिल मियां आपको कंप्लीट 2 ओवर डाल के देगा। तो हमने आपको बताई थी कि भाई हम डेमो टीम बना रहे हैं, फाइनल टीम बिल्कुल भी नहीं बना रहे, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी के लिए साकिब महमूद या फिर फैजल नज़ार को तो नहीं छोड़ सकते, ठीक है, और साकिब महमूद को ही छोड़ते हैं। छोड़ के मैं इस मौली की टीम में जवाद गनी को पिक करूँगा, क्योंकि अभी शारजा CBFS T20 जो सीरीज चल रहा था ना वहाँ पर भाई टाल का मचा दिया था, ठीक है, तो ध्यान रखकर चलिएगा। तो वो कैप्टन सुराज कैप्टन सिंह गफार को दे ले लोग, क्योंकि ओपनिंग करता है हर मैच में अगर खेलेगा तो, ठीक है, लेकिन मैं नहीं दे रहा, मैं दे रहा इमरान जावेद को कैप्टन, मोहम्मद नदीम मेरा विषय रहेगा। जवाद घनी को भी कैप्टन सुराज कैप्टन सिंह बिल्कुल भी करके चल सकते हो, लेकिन घनी के साथ यही रिस्क रहेगा कि भाई डालेगा कि नहीं डालेगा ऊपर, तो अभी कुछ नहीं कन्फर्म है, पहले आ जाओ टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम पर आएंगे उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा इस मौली की फाइनल टीम, तभी आ जाओ टेलीग्राम पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस आपको फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप टेलीग्राम पे जुड़ गए होंगे, डेमो टीम में फाइनल टीम बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बिल्कुल भी चेंज करेंगे जब आप टेलीग्राम पे आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।